बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज पहली रैली कर रहे हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा में पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर में रैली को संबोधित करेंगे। लोगों को एक सपना दिखाया गया था, दिल्ली के लोगों का एक विश्वास बनाया गया था, उस विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया गया। दिल्ली के अंदर अब शासन प्रशासन जिस प्रकार से सरकार चली थी उसको लेकर के दिल्ली में राजनीति अराजकता की होगी या गुड गवर्नेंस की होगी, इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के चुनाव मैदान में है। दिल्ली के अंदर दिल्ली का विजन क्या होगा इसके संदर्भ में हमारी मुख्यमंत्री आपको बताएंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हमको अपना मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस गत 7-8 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने दिल्ली के सपनों को, दिल्ली की आकांक्षाओं को, दिल्ली के विश्वास को, दिल्ली की सभी चीजों को पूरा करने का प्रयत्न किया है। और आने वाली 7 तारीख को जिस प्रकार से चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी का 70 जगह पर कमल खिलाएगा। और आने वाली 10 तारीख को चुनाव नतीजे जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाएगी। सभी कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं, सभी जनता से मैं आह्वान करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी बहुमत देकर के विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।